Welcome everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, a place where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. Myself Dheeraj Parwani, I would be continuing the topic of 11th Science Max Paper 1, that is Angle and its Measurement. This is the fourth part of this topic as well as the last lecture. इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो इनकेस अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए. हमारा एरिया ऑफ सेक्टर लास्ट टॉपिक बाकी है. इससे पहले हम लोगों ने जो भी किया था सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क और वो सब फाइंड आउट किया था. तो एक ब्रीफ रिविजन की सेक्टर ऑलरेडी इस बेसिक में इससे पहले क्या किया था, जहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्टर बताया था उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके आर, उसके साथ उसका एंगल थीटा एंड दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क एस. और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखी थी जहाँ पे एस वॉज इक्वल टू आर थीटा, जहाँ पे थीटा मस्ट बी ऑलवेज इन रेडियन. तो दिस वॉज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क. आज हम लोग कुछ नया फॉर्मूला देखेंगे, वही सेम सेक्टर की बात करते हैं, रेडियस थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क सेम जिसको आप बोलते हो, बट अगर यही सेक्टर का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा. द फॉर्मूला वुड बी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा. कंडीशन अगेन थीटा के लिए वही सेम रहेगा कि थीटा शुड बी ऑलवेज इन रेडियन. इट इज नॉट एट ऑल अलाउड कि थीटा डिग्री में हो. यही चीज आप लोगों ने टेंथ में भी यूज किया था, उसमें आप लोगों को मालूम नहीं था कि वो थीटा डिग्री में नहीं आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो. आप लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करते थे. आप लोगों ने आपके 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला देखा था आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. तो आप लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या है. तो ये एक्चुअली यही फॉर्मूला है, बट इसमें हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. उसमें आप पहले फॉर्मूला ही रेडियन में यूज करते थे. तो आइए अपने आगे के सम्स माइंड अप करते हैं. सिक्स सम, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. एज पर द गिवन कंडीशन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज 25. आफ्टर दैट फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालना मतलब एस, एंड एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर. तो एंगल दिया मतलब बेसिकली थीटा दे दिया आपको, दैट इज 144 डिग्री. अगेन दिस इज नॉट अलाउड इन डिग्री, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, टेबल लगा के आंसर आएगा 4π/5. आफ्टर दैट जो एरिया ऑफ सर्कल है उससे और आगे बोलते हैं ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर. तो मतलब एरिया भी निकालना है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो सेकंड वाले लाइन में ही आपको एस और ए दोनों क्वेश्चन मार्क लिख दिया है. अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट एस की फॉर्मूला होती है आर और थीटा. तो आर है ही नहीं आपके पास, थीटा तो दे चुका है, तो उसके लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है. तो एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू 25π. आप सबको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, बचपन में आपने पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं आप. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, देयरफॉर आई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. उसी के साथ नेक्स्ट आगे आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो फॉर्मूला एस का होता है आर थीटा. तो आर का वैल्यू आप लोगों का आएगा 5 इंटू थीटा का वैल्यू आपने अभी अभी कन्वर्ट किया, दैट इज 4π/5. 5 गेट्स कैंसिल, द फाइनल आंसर इज 4π सेंटीमीटर. तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अननोन. आपको एक और अननोन दिया हुआ है, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस की, इट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा. फॉर्मूला इसकी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो इट इज 1/2 आर का स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर मतलब 25, इंटू थीटा का वैल्यू 4π/5. टेबल लगाऊंगा, ऊपर 4 है नीचे 2, तो 2 जा लग जाएगा, और 25 को नीचे 5 है उसका टेबल लग गया 5 जा, तो ऊपर बसता है 5 इंटू 2, दैट इज 10π² सेंटीमीटर. देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 10π² सेंटीमीटर. उसी के साथ एक्सरसाइज 1.2, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25π² सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो यहाँ पे क्या बोलता है, इसको एक एक ब्रेक करके पढ़ते हैं. एज पर द गिवन कंडीशन, पहला पहला दिया हुआ है आपको एरिया ऑफ द सर्कल इज 25π² सेंटीमीटर. उसके बाद और एक कंडीशन दे के दिया है कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. पेरीमीटर अगर मराठी मीडियम के कोई स्टूडेंट्स है तो इसको परिमिति भी बोलते हैं, परिमिति. तो बेसिकली परिमिति मतलब आउटर बाउंड्री का एडिशन. जो भी किसी भी फिगर का अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो आप उसके जितने भी आउटर बाउंड्रीज हैं जिससे वो फिगर बना है उसके साइड्स को ऐड करोगे तो आपको आपका पेरीमीटर मिलता है. जैसे ट्राइंगल का 3s होता है, 3 ऑफ साइड्स, मतलब a+b+c. उसी के साथ अगर रेक्टेंगल का करोगे तो 2 लेंथ + 2 ब्रेथ होता है. स्क्वायर का 4s होता है. तो इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, आइए थोड़ी देर में देखते हैं. उसके बाद बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्वेश्चन मार्क. अभी यहाँ पे पहला पहला जो कंडीशन दिया एरिया ऑफ सर्कल, उससे मुझे क्या मिल जाएगा रेडियस. जैसे आप लोगों ने लास्ट सम में देखा एरिया ऑफ सर्कल 25π है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर के हिसाब से मुझे आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर,
तो पेरीमीटर मैंने आपको क्या बोला था, इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स या बाउंड्रीज। तो यहाँ पे अगर आप सेक्टर में याद करोगे तो दो बाउंड्रीज, तीन बाउंड्रीज होती है। एक होता है दोनों साइड से आता है आर, दैट इज रेडियस, और एक होता है एस, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज आर प्लस एस। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का वैल्यू 20, आर का वैल्यू 5, तो दो बार आर है तो इट इज 5 + 5 + s। अगर आप टोटल अप करोगे तो इट इज 20 - 10, दैट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एस का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। अभी मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था 1/2 r² θ। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/2 r² को कन्वर्ट करता हूँ r इंटू आर थीटा, मतलब पूरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 r × r θ। वो r थीटा को जरा देखो तो याद करो, आपको अब भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाई थी, r थीटा कुछ नहीं होता है, s होता है। तो r थीटा के जगह पे हम लोग s सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाती है 1/2 r s। मैं वापस रिपीट करता हूँ, r² θ को स्प्लिट अप किया, r × r लिखा, तो फॉर्मूला था 1/2 r² θ, तो फॉर्मूला बन जाती है 1/2 r × r θ। आर थीटा को मैंने माना एस, तो पूरी फॉर्मूला रिकंस्ट्रक्ट होकर बन जाती है 1/2 r s, जहाँ पे 1/2 वैसे ही रहेगा, आर का वैल्यू 5 और एस का वैल्यू 10, जो अभी आपने निकाला लास्ट में, 10 को डिवाइड बाई 2 करके 5 लगता है, तो 5 × 5 = 25 π² cm। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज रिक्वायर्ड इज 25 π² cm। होपफुली आपको समझा होगा। अभी एक सम है जिसके अंदर मैं आपको फिगर लास्ट में दिखाऊंगा, बिकॉज थोड़ा आपको इमेजिनेशन होना चाहिए, एक बार फिगर देखिएगा तो आपको फटाफट होता है, बट विदाउट फिगर भी आपको इमेजिन करने आना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। तो फिगर लास्ट में दिखेगा आपको इस सब में। OPQ इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O, एक सेक्टर है एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो एज पर द गिवन कंडीशन रेडियस का वैल्यू 15 है। इफ ट्राइंगल एंगल POQ 30 डिग्री, एंगल दिया मतलब थीटा दिया, तो थीटा 30 डिग्री है, तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करके π/6 आंसर आया। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो अगर आपको ये दिखेगा तो कॉर्ड का मतलब होता है ट्राइंगल, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे सेक्टर में से ट्राइंगल निकाला है, तो बसता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर आपको मैं अभी स्टेटमेंट में बोल दूँ कि हम लोगों ने क्या किया बच्चा लोगों, हम लोगों ने एरिया में से सेक्टर में से ट्राइंगल निकाला, सेक्टर में से ट्राइंगल, तो मेरे को पहला पहला सेक्टर चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला 1/2 r² θ, जो हम लोग देखते हैं आर का वैल्यू 15 और थीटा का वैल्यू 5/6, तो इट इज 1/2 × 15 × π/6। टेबल सिर्फ 15 और 6 को लगेगी 3 की, 15 का वो 3 का लगेगा 5 और नीचे 2, तो ऊपर बचता है 15 × 5, दैट इज 75 π/4, नीचे 2 × 2 = 4 बचता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ½ × base × height। मेन हाइट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा sin θ = opposite / hypotenuse, जहाँ पे एंगल दे चुका है थीटा आपको 30 डिग्री, ऑपोजिट है आपका एच और हाइपोटेन्यूज है आपका 15, तो एच का वैल्यू आ जाएगा 15/2, जहाँ पे साइन 30 का वैल्यू मैंने 1/2 सब्स्टिट्यूट किया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ½ × base × height, तो ½ × base का वैल्यू 15, हाइट का वैल्यू 15/2, कुछ कैंसिल होता नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 15 दैट इज 225 / 2 × 2 दैट इज 4 square centimeter या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों आप लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैन बी सेड एज एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर है आपका 75 π/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 225 by 4। अगर आप 75 by 4 कॉमन निकालते तो बचता है 75 π - 4 cm². तो आइए देखते हैं फिगर में। तो अगर आप देख रहे होंगे नीचे सेगमेंट जिधर लिखा है वहाँ पे कलर आपको थोड़ा अलग से कुछ दिख रहा होगा, सिल्वर कलर, ओके, वो आपका बन जाता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर आप देखोगे तो सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल को माइनस करूंगा तो मुझे वो शेडेड रीजन मिलेगा। अभी हाइट निकालने के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या होगा, तो थीटा जहाँ पे वहाँ से हाइट, तो ऑपोजिट एच आता है और हाइपोटेन्यूज आर आता है, आर मतलब बेसिकली आपका रेडियस, इसके लिए उसको 15 लिया। तो इसी तरीके से इस सम को सॉल्व किया, तो वहाँ पे दो सम्स मैंने छोड़े, एक है 7th और दूसरा है 10th। 7th इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन 8th एंड 10th इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन 9th। तो आप वो दोनों सम्स प्लीज ट्राई कीजिए, इनकेस नहीं आता है तो आप प्लीज़ जो भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में पुटअप कीजिए, और आपको ये चैप्टर समझा कि नहीं अच्छे से वो भी रिव्यू पुटअप कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद SST एडुपीडिया। We all hope कि आप SST एडुपीडिया में बाकी सारे सब्जेक्ट्स और लेक्चर्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन।